नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उड़ते हुए प्लेन का अचानक साथियों एक टायर फट गया। जिस टायर फटते ही यात्रियों में, प्लेनों में साथियों हड़कंप मच गया और यात्रियों में बुरी तरह से साथियों चीख पुकार मच गई। अभी किस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है साथियों, देश की राजधानी दिल्ली से पेरिस जा रहे एयर इंडिया का प्लेन आधे घंटे में वापस एयरपोर्ट लौट आया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पायलट को फ्लाइट का टायर फटने की आशंका थी, जिसके बाद उन्हें फ्लाइट को वापस ले आया और प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट AI-143 उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस लौट आई। दिल्ली ATC ने फ्लाइट क्रू को उड़ान भरने के बाद रनवे पर टायर मलवा देखे जाने की सूचना दी। फ्लाइट सुरक्षित रूप से वापस आ गई। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अचानक साथियों ये खबर के बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें दिल्ली के पेरिस जा रहे प्लेन आधे घंटे में वापस लौट आया। पायलट ने टायर फटने की आशंका के कारण कराई इमरजेंसी लैंडिंग।